अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम लुक क्रिएट करने वाले हैं वो बहुत इजी रहने वाली है बिगनर्स के लिए, तो खास तौर पे जिनको भी मेकअप की बेसिक्स नहीं पता, ये आपके लिए 15 मिनट्स लुक है। इस लुक को बनाने के लिए मैंने अपनी आईब्रोज को ऑलरेडी रेडी कर दिया है, जस्ट मैं अपने एक्स्ट्रा हेयर्स को नीट कर रही हूँ विद मिस्रोस कंसीलर शेड आइवरी 6, जो कि बहुत बेस्ट कंसीलर है। इसको आप एज अ आई प्राइमर, आई बेस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी कवरेज अच्छी है तो ये आपको डार्क सर्कल्स हाइड करने में हेल्प आउट करता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से अपनी आंखों पे स्प्रेड कर लिया। अब मैं ले रही हूँ अपनी जैकलिन हिल पैलेट, ड्यूप प्रोडक्ट है, मैंने makeupcheckup.com.pk से बाय की थी। मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, सिर्फ 1000 रुपीज़ की, और बिगनर्स के लिए ये रिकमेंडेड पैलेट है। उसके बाद मैं ले रही हूँ दूसरा शेड अपना हुदा रोज़ गोल्ड पैलेट से, ये भी आप सेम पेज से बाय कर सकते हो। इसकी प्राइस मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैंने इसको 1250 में बाय किया था। मैंने अच्छी तरह से ये शेड्स जो हैं अपनी आंखों पे क्रीज पे कर लगा लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क शेड, ताकि मेरी आईज़ का आउटर लुक जो है वो थोड़ा सा डार्क आए, और जब वो डार्क आएगा तो वो अच्छा दिखेगा। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं अलिज़म का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मेरा कोड है SR10, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। अच्छी तरह से इसको जो है ब्लेंड कर लेना है आपने अपनी क्रीज के साथ, जो आपने ट्रांजिशन शेड लगाया होगा उसके साथ, ताकि कोई भी हार्श लाइन आपकी आईज़ पर वाजह ना हो। कोई भी अच्छा मेकअप फिक्सर लेकर अपने ब्रश पे लगाएं, और देन उसके बाद कोई भी हाइलाइटर लेकर, मैंने यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है पिंक शेड में, उसमें पिंक शेड जो है वो मैंने ओवरऑल अपनी लिड पर लगा लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा शिमरी सा लुक देता है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पॉप मी आउट की लैशेस इन स्टाइल सोनी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट लैशेज़ हैं नेचुरल लुक के लिए। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी आमना के वाइब्स, ताकि जितना भी मेरे आई शेड्स का फॉल आउट हुआ है उसको मैं साफ़ कर लूँ, और जो फाउंडेशन लुक है वो क्लीन आए, प्यारी आए, ग्लोई आए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लग्जरियस ब्यूटी ऑयल बाय अलिज़म ब्यूटी। ये ऑयल ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है, अगर आपको चमकीली चमकीली फाउंडेशन बहुत पसंद है, यानी कि अगर आपको ग्लोई लुक पसंद है, तो आप इसके कुछ ड्रॉप्स अपनी फाउंडेशन में ऐड करके फिर लगाएं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके जी, तो फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की इनफॉलेबल, इसकी कवरेज मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है ये, और मुझे वैसे भी मीडियम चाहिए थी, मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा केकी लगे, तो इसीलिए मैंने ये फाउंडेशन चूज़ की है ताकि मुझे इसका मीडियम कवरेज लुक मिले। और ये शेड है 102, अगर किसी का मेरे जैसा शेड हो तो वो ये वाला स्किन टोन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अपने अंडर आइज़ को कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्रोस का आइवरी 6 कंसीलर, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरे अंडर आइज़ जो डार्क हैं वो मेकअप में ज़्यादा डार्क ना लगें। उसके बाद आई एम हैविंग क्रिस्टाइन का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, ये किसी भी आपको नियरेस्ट मेकअप स्टोर से या कहीं से भी मिल जाएगा इजीली, लेकिन मुझे इसकी कवरेज कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि इसने मेरे फेस पे पैचेस छोड़ दिए थे थोड़ी देर बाद, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय माय साइड। तो अपने लूज़ पाउडर को डस्ट ऑफ करने के बाद मैं यूज़ करने लगी हूँ ब्रॉन्ज़र, जो कि है बीबी आमना का टैन बॉन्ड ब्रॉन्ज़र। ये बहुत अच्छा है अगर आपको नेचुरल सी ब्रॉन्जिंग लुक चाहिए हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको कॉन्टोर नहीं करना, तो आप इसको अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लशस का ब्लश इन शेड पोमेग्रेनेट, और ये बहुत ही ड्यूवी सा लुक देता है, मतलब बहुत पिंक पीच टाइप लुक आ जाती है, जो कि बहुत क्यूट लगती है इससे। एंड नाउ हेयर कम्स द फाइनल प्रोडक्ट हुदा डेमी मैट्स बाय makeupcheckup.com.pk। ये पूरा सेट मैंने 2000 रुपीज़ का बाय किया था, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ टीटी का ग्लो हाइलाइटर, और ये मेरी फाइनल लुक थी गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।